एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन। इफ ए मॉलिक्यूल ऑफ टाइप MX3 हैज़ नेट डायपोल मोमेंट जीरो, देन इट शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। एंड इफ इट इज ट्राइगोनल प्लेनर देन इट शुड बी SP2 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन नंबर टू, CO हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन एंड CN नेगेटिव ऑल्सो हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स, सो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर थ्री, CO2 इज लीनियर बिकॉज ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 इज जीरो बिकॉज इट इज सिमेट्रिक एंड डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स विल गेट्स कैंसल आउट, सो म्यू नेट ऑफ इट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 इज जीरो बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हियर ऑल डायपोल मोमेंट गेट्स कैंसल आउट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, HCl डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज इन दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू क्लोरीन। फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड आइदर विद फ्लोरीन और विद नाइट्रोजन और विद ऑक्सीजन। सो इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। बट इन दिस केस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर सेवन, NO हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, π2px2, π2py2, एंड देन वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π*2px1 एंड π*2py इज वेकेंट, सो देर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π*2px, और वी कैन से एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर एट, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू फ्लोरीन विथ कोवेलेंट बॉन्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन SO2 सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दीज 4 आर यूज टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 लोन पेयर, सो वी हैव 1 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, सो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और वी कैन से SP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विद आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाउ इन दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन, हियर वी ऑलरेडी टोल्ड दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। नाउ इन दिस केस ऑल्सो हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन, ऑल हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद कार्बन। हियर ऑल्सो
ऑल हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद कार्बन. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन दिस दिस एंड दिस. इट कैन ओनली टेक प्लेस इन C2H5OH बिकॉज ऑफ दिस OH बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 11. CH3 पॉजिटिव हैज SP2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इन कार्बन वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इफ वी से सी पॉजिटिव देन सी पॉजिटिव विल हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑल दीज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी यूज टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. सो वी हैव हियर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर दैट इज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और SP2 हाइब्रिडाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड CO2 इज लीनियर बिकॉज ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन एंड इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 13. डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0 बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. हियर ऑल 3 बॉन्ड्स डायपोल मोमेंट गेट कैंसल्ड आउट सो म्यू नेट ऑफ दिस इज 0. क्वेश्चन नंबर 14. PCl5 इज ट्राइगोनल पिरामिडल बिकॉज इट हैज 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड. सो हाइब्रिडाइजेशन इज SP3. इन SP3 हाइब्रिडाइजेशन इफ वी हैव 1 लोन पेयर देन ऑब्वियसली ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल. क्वेश्चन नंबर 15. हियर ऑल 4 कार्बन्स आर SP3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज दिस. हियर ईच कार्बन हैज 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3 फॉर ईच कार्बन. क्वेश्चन नंबर 16. Cl हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ विच 4 आर यूज फॉर डबल बॉन्ड. सो वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर. सो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 4 दैट इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 17. इन वाटर ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस. Now here this hydrogen can form hydrogen bond with this oxygen. Similarly this hydrogen is also form hydrogen bond. Similarly this hydrogen also forms hydrogen bond with this oxygen. Similarly this hydrogen also. So this H2O molecule is making 4 hydrogen bond with other H2O molecules. So 4 hydrogen bond per molecule. Question number 18. Now metal oxides are ionic and non-metal oxides are covalent. So P2O5 obviously covalent because of non-metal phosphorus. So it is obviously covalent. Now if we talk about other oxides, MnO is more ionic compared to Mn2O7 because here MnO has plus 2 oxidation number and here Mn2O7 has plus 7 oxidation number.
नाउ ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करेक्टर. सो Mn2O7 विल बी मोर कोवलेंट कंपेयर टू MnO, और वी कैन से MnO इज मोर आयोनिक कंपेयर टू Mn2O7. क्वेश्चन नंबर 19. अकॉर्डिंग टू MOT, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ O2 इज σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, π2px2, π2py2, π*2px1, π*2py1. सो इन दिस ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, द अदर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. सो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 2+2 4, +4 8, +2 10, +4 14. सो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 14. क्वेश्चन नंबर 20. इन दिस क्वेश्चन NF3 एंड S3O पॉजिटिव बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज विद वन लोन पेयर. सो शेप ऑफ बोथ इज ट्राइगोनल पिरामिडल. सिमिलरली NO3 नेगेटिव एंड BF3 बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज विदाउट एनी लोन पेयर. सो शेप ऑफ बोथ इज ट्राइगोनल प्लेनर. क्वेश्चन नंबर 21. इन CaC2 वी हैव आयनिक बॉन्ड बिटवीन Ca2 पॉजिटिव एंड C2 2 नेगेटिव. नाउ इन C2 2 नेगेटिव द बॉन्ड ऑर्डर इज 3 अकॉर्डिंग टू MOT. सो वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर. सो हियर वी हैव टोटल 3 बॉन्ड. आउट ऑफ दीज ओनली 1 इज सिग्मा, रेस्ट 2 आर पाई. क्वेश्चन नंबर 22. हियर के पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक बट O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक. सो ऑब्वियसली इट इज पैरा, और वी कैन से इट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन. नाउ इन AlO2, Al3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक एंड O2 4 नेगेटिव इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. सो इट इज डायमैग्नेटिक. इन BaO2, Ba2 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक एंड O2 2 नेगेटिव इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. सो BaO2 इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक एंड NO2 पॉजिटिव इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. इट डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो ओनली KO2 हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 23. H2CO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इट हैज 0 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड. सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बट हियर नेट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ दिस OH बॉन्ड एंड दिस CO बॉन्ड इज डिफरेंट. सो डायपोल मोमेंट विल नॉट गेट कैंसल आउट. That's why mu net is not equal to zero, or this molecule has some non-zero dipole moment. Question number 24. H2O2 has both polar and non-polar bond. This OO bond is non-polar, while this OH bond is polar. Question number 25. O2 is non-polar while H2O is polar. So because of its polar character, the intermolecular force in H2O is higher, that is dipole-dipole interaction. So that force will be higher in the case of H2O, and therefore its critical temperature is also higher than O2. Question number 26. In SO2, sulfur has
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ विच 4 आर यूज्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड वी विल हैव वन लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड दैट इज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 27. इन ओजोन वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन बट इफ वी हैव अनदर डबल बॉन्ड नाउ बिकॉज ऑफ अनदर डबल बॉन्ड ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन विल बी एक्सपेंडेड. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दिस मिडिल ऑक्सीजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल सो इट्स ऑक्टेट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. नाउ दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन और वी कैन राइट दिस स्ट्रक्चर बाय रिप्लेसिंग दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय प्योर कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मल चार्ज. सो नाउ इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल हैव नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. क्वेश्चन नंबर 28. LiCl इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ Li पॉजिटिव इट्स पोलराइजेशन इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पोलराइजेशन कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 29. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज 3 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2 इज 2 while bond order of CO3 to negative is 4/3 or 1.33 because of resonance. So order of bond length will be CO3 to negative is greater than CO2 is greater than CO because on increasing bond order bond length decreases. Question number 30. Structure of H2S is V bent and here dipole moment of HS and dipole moment of lone pair will not get cancelled out. Therefore, net dipole moment is non-zero or it is polar molecule. Question number 31. Sulfur has 6 valence electrons out of which 4 are used to form bonds. So we have 4 sigma bond and 1 lone pair that is 5 hybrid orbital and sp3 hybridization. Now because of sp3 hybridization geometry will be trigonal bipyramidal but because of lone pair on equatorial position it is seesaw in shape. Now CF4, so carbon has 4 valence electron, all these valence electron will form bond. So here we have 4 sigma bond and 0 lone pair. So hybridization will be sp3 and because of 0 lone pair, its shape will be tetrahedral. Now XCF4, so XC has 8 valence electron, out of which 4 are used to form sigma bond. The remaining 4 electron will give 2 lone pair. So it is sp3d2. Now geometry is octahedral but because of these two lone pair on opposite side the shape will be square planar. Question number 32. Now its structure is this. So it is sp hybridized because of 2 sigma bond and 0 lone pair. NO3 negative will have this structure. So here also 0 lone pair and 3 sigma bond. So because of 3 sigma bond it is sp2 hybridized. Now NH4 positive also has 0 lone pair but number of sigma bond here is 4. So because of 4 sigma bond and 0 lone pair it is sp
थ्री हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 33, NH3 इज पिरामिडल विद वन लोन पेयर एंड BF3 इज मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन NH3 एंड BF3। सो इट विल हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन इज 5, 4 एंड 0 लोन पेयर। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इफ यू टॉक अबाउट बोरोन देन इट ऑल्सो फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर। सो इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। शेप ऑफ बोथ विल बी टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 34, O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2, पाई 2py2, एंड देन वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई 2py। सो पाई 2px विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन बट पाई स्टार 2py विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। सो बिकॉज ऑफ दिस 1 इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। क्वेश्चन नंबर 35, O2 पॉजिटिव विल हैव कॉन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py0। सो इट इज ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। एंड इफ यू टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर then its bond order is 2.5 because we have 6 electron in p bonding while 1 electron in p antibonding. So bond order is 2.5 and bond order in oxygen is 2. So obviously this bond order is greater than bond order of O2. Question number 36, number of lone pair in ClO3 negative is 1. Number of lone pair in XeF4 is 2. Number of lone pair in SF4 is 1. Number of lone pair in I3 negative is 3. So maximum number of lone pair will be in I3 negative.